Hello students, welcome to our YouTube channel. So students, this is a lecture of Indian banking system, as you all know. So today we will move to our next topic, and that is social control. So let's move on our topic. So we will study today what is social control. So it is mentioned in your notes also, which we will link up with your videos. And social control is, the banks are the custodians of savings and powerful institutions to provide credit. They mobilize the resources from all the sections of the community by way of deposits and channelize them to industries and others by way of granting loans. ये तो simple सी चीज लिखी हुई है कि banking क्या करती है, simple deposits करती है और हमारी other needs को fulfill करती है. और ये हम काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, what is a banking system, because our subject is Indian banking system. तो इसमें हम पूरी banking के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने State Bank of India discussion कर चुके हैं. और first unit में हम brief discussion about each and every aspect of our subject हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पे भी बैंक्स के बारे में बता रहा है कि बैंक्स क्या कर रहे हैं, तरीके से क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, सेविंग्स का पावरफुल टूल है और हमारी अदर नीड्स को फुलफिल करते हैं. सो दिस इज द बेसिक थिंग्स. नेक्स्ट, इन 1955 द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज एंड SBI वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड. ये भी नया कुछ नहीं है, ये हमारी पूरी यूनिट थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर. और हमने इसमें पढ़ा है कि 1955 में क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टली नाम नहीं था. इससे पहले इसके बहुत सारे नाम थे, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होने से पहले कौन सा नाम था, इट इज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नेशनलाइज बैंक बन गया था, एंड SBI वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, एंड इट वॉज इन 1955. It was observed that the commercial banks were directing their advances to the large and medium scale industries and the priority sectors such as agriculture, small scale industries and exports were neglected. तो ये देखा गया, observe किया गया कि जितनी भी commercial banks हैं वो help तो कर रही हैं, but large या medium scale persons को या large या medium scale industries को प्रायोरिटी बेसिस पे हेल्प कर रही है. और जितने भी बेचारे और अदर आर्टिजन्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो अदर प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उन्हें इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रही. दे आर नेग्लेक्टिंग दिस पार्ट. तो इस पार्ट को और ज्यादा अपग्रेड करने के लिए, और ज्यादा बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए आगे इसमें पर स्टेप लिया गया. द चेयरमैन and directors of banks were mostly industrialists, and many of them were interested in sanctioning large amount of loans and advances to industries which with which they were connected. So mostly commercial banks are mostly chairmen, directors, सभी banks के chairmen, directors सब connected हैं, और वो mostly इस चीज पे focus कर रहे थे, providing credit or other facilities to large scale industries and neglecting the other part. तो उस चीज के लिए आगे क्या हुआ, टू ओवरकम दीज डेफिशिएंसीज फाउंड इन द वर्किंग ऑफ द बैंक्स, द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास इन दिसंबर 1968 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 1 फरवरी 1969. तो इन प्रॉब्लम्स के उभरने के लिए कि अदर जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं जा रहा, उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा, तो इस चीज से ओवरकम करने के लिए क्या किया गया, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट में एक लॉ पास किया गया दिसंबर 1968 में, जो बाद में वर्किंग में कब आया, 1 फरवरी 1969. इट इज नोन एज स्कीम ऑफ सोशल कंट्रोल ओवर द बैंक्स. तो यहां से सोशल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आया. सो दिस इज द ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट सोशल कंट्रोल. तो सोशल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट कहां से है, सोशल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट आया कि बैंकिंग ज्यादा से ज्यादा, जितनी भी कॉमर्शियल बैंक है, वो ज्यादा से ज्यादा फोकस कहां कर रही थी, दे आर मोर एंड मोर प्रोवाइडिंग हेल्प टू लार्ज स्केल एंड अदर लार्ज सेक्टर्स एंड निग्लेक्टिंग द अदर स्मॉल सेक्टर्स एंड विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आर इंडियन इकोनॉमी. हमारे देश की आर्थिक सहायता करने में सबसे बहुत बड़ा रोल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का भी, एग्रीकल्चरल सेक्टर का भी, आर्टिजन्स का भी, कॉटेज इंडस्ट्रीज का भी. तो इस तरीके से बहुत सारी इंडस्ट्रीज इनको
वहां पर कमर्शियल बैग्स क्या कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, प्रॉपर हेल्पिंग हेल्प्स या हेल्पिंग हैंड नहीं था उन सेक्टर्स के लिए। तो इस चीजों से ओवरकम करने के लिए एक बैंकिंग लॉ ने अमेंडमेंट पास किया, और वो अमेंडमेंट कब था, दिसंबर 1968 में वो अमेंडमेंट आया, और उसके बाद वो वर्किंग कब स्टार्ट हुई उस अमेंडमेंट में, इट इज फ्रॉम 1 फरवरी 1969। और वो जो अमेंडमेंट किया गया उसका नाम क्या था स्कीम का, दैट इज सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल ओवर द बैंक। स्टूडेंट दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट व्हाट इज सोशल कंट्रोल, मोस्टली हर्बल एग्जाम्स में आता है। नेक्स्ट इज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोरारजी देसाई मेड अ स्टेटमेंट इन द पार्लियामेंट ऑन द ईव ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द बिल टू अमेंड द बैंकिंग लॉज एक्ट। और उस टाइम पे हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो मिस्टर मोरारजी देसाई थे, जिस टाइम ये स्कीम आई तो उन्होंने क्या किया, एक स्टेटमेंट बनाया पार्लियामेंट में, एक स्टेटमेंट बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि दिस बिल वॉज अमेंडिंग एंड दिस बिल वॉज इंट्रोड्यूसिंग। इसके बाद ही एक्सप्लेन दैट द एम ऑफ सोशल कंट्रोल वॉज, और उन्होंने जब ये चीज पूरी पार्लियामेंट में बताई तो उन्होंने सोशल कंट्रोल के, मिस्टर मोरारजी देसाई ने सोशल कंट्रोल के प्रॉपर एम्स बताए वहां पे कि हम ये सोशल कंट्रोल ना करें, ये स्कीम मेनली किस चीज पे फोकस करने के लिए लाई जा रही है। तो टू इवेपोरेट आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ सो एज टू अटेन द ऑप्टिमम ग्रोथ रेट ऑफ आवर इकोनॉमी एंड टू प्रिवेंट एट द सेम टाइम मोनोपोलिस्टिक ट्रेंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड मिसडायरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। तो उन्होंने कहा सोशल कंट्रोल का मेन एम है मिसडायरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज ना हो, बल्कि हमारे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो, और अदर जो भी मिसडायरेक्शन हो रही है वो चीजें हम रोक सके और अपनी इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ की तरफ और अच्छे से फोकस कर सके। सो द फॉलोइंग आर द मेन प्रोविजंस ऑफ दिस अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट किया गया जिसके अंदर ये सोशल कंट्रोल की स्कीम आई, तो उसके अंदर मेन प्रोविजंस कौन थे, कौन से थे वो अब हम पढ़ेंगे। दैट इज फर्स्ट वन इज बिगर बैंक्स हैव टू मैनेज बाय होल टाइम चेयरमैन पोजेसिंग स्पेशल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग ऑफ बैंकिंग कंपनी और ऑफ फाइनेंस इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने जब ये मेन प्रोविजंस बनाए सोशल कंट्रोल स्कीम के रिगार्डिंग, तो उन्होंने बोला जितने भी बिगर बैंक्स के मेन होल्स ऑफ इंचार्ज हैं या मैनेजिंग टीम्स हैं या चेयरमैन हैं वो इस सोशल कंट्रोल के लिए रोल प्ले करेंगे। नेक्स्ट द मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स हैड टू बी पर्सन्स विद स्पेशल नॉलेज ऑफ और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द एरियाज सच एज अकाउंटेंसी एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी बैंकिंग कोऑपरेटिव इकोनॉमी फाइनेंस लॉ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। दूसरा उन्होंने इसमें प्रोविजन में ये बोला कि जितने भी मेजर डायरेक्टर्स है मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स है जो किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं, यहाँ पे फील्ड की एग्जाम्पल है कोई अकाउंटेंसी में एक्सपर्ट होगा, कोई एग्रीकल्चर में होगा, कोई बैंकिंग में होगा, कोई रूरल इकोनॉमी में होगा, ये फाइनेंस में होगा या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लॉ के रिगार्डिंग एक्सपर्ट होगा। तो जितने भी मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स है एंड दे आर हैविंग स्पेशलाइजेशन इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, तो वो सारे के सारे यहाँ पर इस अमेंडमेंट के लिए भी वर्क करेंगे। इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल। नेक्स्ट The banks are also prohibited from making any loans or advances, secured or unsecured, to their directors or to any companies in which they have substantial interest. और यहाँ पे बैंक पर रोक लगा दी गई, प्रोहिबिट कर दिया गया कि बैंक किसी भी तरीके के लोन्स या एडवांसेस, सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, किसी भी तरीके के लोन्स एंड एडवांसेस हो, डायरेक्टर्स को जो देते हो या कंपनीज को जो प्रोवाइड किए जा रहे हो वो सारे के सारे यहाँ पर उनके प्रॉपरली उनके पब्लिक उनके ट्रस्ट के लिए होते हैं। तो उन सब चीजों को रोक दिया गया कि पर्सनली किसी को भी, किसी डायरेक्टर को, किसी को भी इस तरीके की फैसिलिटीज अभी ना मिले। तो दिस इज ऑल इन सोशल कंट्रोल। तो सोशल कंट्रोल में हमने क्या क्या पढ़ा, सोशल कंट्रोल क्यों आया, सोशल कंट्रोल इसलिए आया कि बैंकिंग या जितनी भी कॉमर्शियल बैंक थी वो ज्यादा से ज्यादा फोकस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पर कर रही थी, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट थे या एग्रीकल्चर सेक्टर था या अदर स्मॉल सेक्टर और ऐसे एरिया थे जिन पे फोकस करना चाहिए था उन पे प्रॉपर फोकस नहीं था। तो उन सब चीजों को ठीक करने के लिए मोरारजी देसाई के टाइम पे जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे एक अमेंडमेंट किया गया, और उस अमेंडमेंट में एक स्कीम लाई गई
क्या हुआ, इनका मेन एम था कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, इकोनॉमी का हर सेक्टर प्रॉपरली काम कर सके, प्रॉपरली उन्हें बैंकिंग फैसिलिटीज मिल सके। तो इस सब चीजों के ऊपर फोकस करके और जितने भी एरिया से फोकस नहीं हो पा रहा था उनको भी हेल्प मिले, वो भी अपग्रेड हो, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखे सोशल कंट्रोल लाया गया। सो दिस इज ऑल अबाउट सोशल कंट्रोल। सो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट एंड इट इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एज एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। हम अपनी इस यूनिट में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ रहे हैं। हमने पहले भी पढ़ लिया कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या है, कब आया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इट कम्स इन 1949। होलसेल बैंकिंग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी चीजें इस एक्ट के अंदर मेंशन है। उसके अलावा सोशल कंट्रोल क्या है ये भी हमने पढ़ा। अब हम यहाँ पे पढ़ने जाएंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एज एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज। जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसकी एप्लीकेबिलिटी किन चीजों में पढ़ी जाएगी, बैंकिंग कंपनीज में एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो अब हम इस टॉपिक पर मूव ऑन करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, नो कंपनी शैल कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया अनलेस इट होल्ड्स अ लाइसेंस इश्यूड दैट बिहाफ बाय रिजर्व बैंक एंड एनी सच लाइसेंस मे बी इश्यूड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज रिजर्व बैंक मे बी फिट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर कि कोई भी कंपनी या बैंकिंग बिजनेस इंडिया में अपने आप से तो बिजनेस कर नहीं सकता, बैंकिंग बिजनेस, वो कहां से अप्रूव्ड होगा, कहां से लाइसेंस मिलेगा, ऑल फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आरबीआई उन्हें लाइसेंस देगी तो वो अपने वर्क को आगे कंटिन्यू करेंगे, और आरबीआई लाइसेंस प्रोवाइड नहीं कर रही तो वो किसी भी तरीके से एलिजिबल नहीं है आगे उस वर्क को करने के लिए। देन सेकंड पॉइंट, एवरी बैंकिंग कंपनी इज इन एग्जिस्टेंस टू ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम सच कमेंसमेंट एंड एवरी अदर कंपनी बिफोर कमेंसिंग बैंकिंग बिजनेस शैल अप्लाई इन राइटिंग टू रिजर्व बैंक फॉर लेसन अंडर सेक्शन अंडर दिस सेक्शन। अब यहाँ पे बोल रहे हैं जितनी भी बैंकिंग कंपनीज हैं जो इस टाइम एग्जिस्ट हैं या इस एक्ट के अंदर आ गए हैं, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम सच कमेंसमेंट, जितनी भी बैंकिंग कंपनीज हैं अगर उन्होंने आज बिजनेस स्टार्ट किया है तो विद इन 6 months उन्हें एक रिटर्न में फॉर्म फिल करना है और रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो विद इन 6 months अगर कमेंसमेंट आज से हुआ है तो आज से लेकर 6 months के अंदर उनको अप्लाई करना है इन राइट इन रिटर्न फॉर्म, दे हैव टू अप्लाई फॉर लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज, बिफोर ग्रांटिंग एनी लाइसेंस अंडर दिस सेक्शन द रिजर्व बैंक मे रिक्वायर टू बी सेटिस्फाइड बाय एन इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ द कंपनी दैट हैव फॉलोइंग कंडीशंस। तो जब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी को भी लाइसेंस प्रोवाइड करेगा तो वो सबसे पहले अपनी तसल्ली करेगा रिजर्व बैंक, कैसे करेगा, वो सबसे पहले उस बैंक से अपने आप को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने के लिए रिजर्व बैंक क्या करवा सकता है, इंस्पेक्शन करवा सकता है, सब चीजों की जांच करवा सकता है। तो इंस्पेक्शन कराएगा, इंस्पेक्शन के टाइम पे कुछ कंडीशंस हैं जो उन कंपनीज को फुलफिल करनी है जो कंपनी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रही है। क्या कंडीशंस है, दैट द कंपनी इज और विल बी इन अ पोजीशन टू पे इट्स प्रेजेंट और फ्यूचर डिपॉजिटर्स इन फुल एज देयर केम। जितनी भी जो भी कंपनी अप्लाई कर रही है वो इस पोजीशन में होनी चाहिए कि प्रेजेंट और फ्यूचर में अपने डिपॉजिटर्स की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। दूसरा क्या देखेंगे वो इंस्पेक्शन में, दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट बीइंग और आर नॉट लाइकली टू बी कंडक्टेड इन एनी मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इट्स प्रेजेंट और फ्यूचर डिपॉजिटर्स। तो कंपनी कोई भी ऐसा वर्क नहीं करेगी जो एक पर्सनल लाइक या डिसलाइक की बात है कि पर्टिकुलर डिपॉजिटर के लिए तो बहुत फेवर का वर्क है, अदर्स के लिए नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। थर्ड इज दैट द जनरल डायरेक्टर ऑफ द प्रपोज मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी विल नॉट बी प्रिजुडिकल टू द पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ इट्स प्रेजेंट और फ्यूचर डिपॉजिटर। तो जनरल डायरेक्टर जो है कंपनी का वो भी एक प्रॉपर होना चाहिए, मीन्स उसकी गुडविल होनी चाहिए, ये सारी चीजें नोट की जाएंगी। नेक्स्ट दैट द कंपनी हैज एडिक्वेट कैपिटल स्ट्रक्चर एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स। और जो कंपनी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रही है उसके पास अपना
एडिक्वेट कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. Then that the public interest will be served by the grant of license to the company to carry on banking business in India. और जितना भी public interest, जितना भी आप public के लिए work करना चाहते हैं वो तभी से आप कर सकते हैं जब आपको license RBI के through provide हो जाएगा, तभी से आप अपनी banking working को शुरू कर सकते हैं. Next, that having regard to banking facilities available in proposed principal area of operations of the company, the potential scope for expansion of banks already in existence the area other than relevant factors, the grant of the license would not be prejudicial to the operation and consolidation of the banking system. So, यहाँ पे इस पॉइंट में बताया जा रहा है अगर ऑलरेडी आप बैंकिंग आपकी लाइसेंस है, आपने अपना काम बिजनेस खोल रखा है, आप मतलब बैंकिंग वर्क कर रहे हैं और अपनी ब्रांच एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, तो ब्रांच एक्सपेंशन के भी लिए आपको किससे परमिशन लेनी, फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज एनी अदर कंडीशन द फुलफिलमेंट ऑफ विच वुड इन द ओपिनियन ऑफ रिजर्व बैंक बी नेसेसरी टू इंश्योर दैट द कैरिंग ऑन ऑफ बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया बाय द कंपनी इज फॉर पब्लिक इंटरेस्ट. तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में बोला है कि कोई अदर कंडीशन जो कि फुलफिल होनी चाहिए उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो फुलफिल होनी ही चाहिए अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. मीन्स जो बेसिक नेसेसरी थिंग्स है दैट शुड बी फुलफिल बिफोर स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस. नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर ग्रांटिंग एनी लाइसेंस अंडर दिस सेक्शन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया रिजर्व बैंक मे रिक्वायर टू बी सेटिस्फाइड बाय एन इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ कंपनी. फिर से वही पॉइंट आ गया कि लाइसेंस ग्रांट करने से पहले आरबीआई अपने आप को हर तरीके से सेटिस्फाई कर ले कि उस कंपनी को लाइसेंस प्रोवाइड होना है या नहीं. जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फुलर सेटिस्फेक्शन होगा तभी वो किसी भी कंपनी को लाइसेंस प्रोवाइड करेगी फॉर कैरी आउट बिजनेस इन इंडिया. नेक्स्ट रिजर्व बैंक मे कैंसिल अ लाइसेंस. अब बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस रिजर्व बैंक दे दिया ठीक है, बट कभी भी कैंसिल नहीं कर सकती है वो बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस. उसके लिए क्या कंडीशन है, इन कंडीशन में कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है. इफ द कंपनी सीजेस टू कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया, अगर वो प्रॉपरली बैंकिंग बिजनेस को इंडिया में कैरी ऑन नहीं कर पा रहा है तो उस केस में आरबीआई उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है. देन इफ कंपनी एट एनी टाइम फेल्स टू कम्प्लाई विद एनी ऑफ द कंडीशन, अगर आरबीआई की बताई हुई कंडीशन को वो फुलफिल करने में किसी भी समय फुलफिल नहीं कर पा रही या फुलफिल करने में फेल हो जाती है वो बैंकिंग कंपनी, देन उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है. देन इफ एट एनी टाइम एनी कंडीशन रेफर्ड इन सेक्शन 6 इन सब सेक्शन 315 इज नॉट फुलफिल, अगर इस सेक्शन के अंदर मेंशन लिस्ट का कोई वर्क है और वो बैंकिंग कंपनी प्रॉपरली फुलफिल नहीं कर पा रही तो इस केस में भी क्या हो सकता है, लाइसेंस कैंसिल हो सकता है. Then any banking company aggrieved by the decision of Reserve Bank cancelling a license under this section may within 30 days from the date on which such decision is communicated to it appeal to central government. अगर कोई banking company Reserve Bank के हिसाब से उसका license cancel हो रहा है तो उस situation में उसे 30 days के अंदर अपने decision को communicate करना है कहाँ पे, central government. ठीक है. नेक्स्ट द डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर एन अपील हैज बीन प्रेफर्ड इट अंडर सेक्शन 5 और द रिजर्व बैंक वेयर नो सच अपील हैज बीन प्रेफर्ड शैल बी द फाइनल. तो यहाँ पे क्या होगा, उसे अगर बिजनेस उसका कैंसिल होगा या लाइसेंस उसका कैंसिल होगा तो सबसे पहले वो 30 डेज के अंदर अपील करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को. अब क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में वो अपील कर चुका है तो यहाँ पे रिजर्व बैंक या सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर नो सच अपील हैज बीन प्रेफर्ड शैल बी फाइनल. अगर आपने अपील कर रखा है तो उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा आपकी बैंकिंग कंपनी बिजनेस पर, और अगर आपने 30 डेज के अंदर अपील नहीं किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या रिजर्व बैंक जो डिसीजन लेगी वो ही फाइनल होगा, फिर आपकी सुनवाई नहीं है. तो ये सारी चीजें हैं हमारे इस टॉपिक में. टॉपिक इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एज एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज. तो बैंकिंग कंपनीज में क्या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, क्या नॉर्म्स पूरे होने चाहिए, रिजर्व बैंक किस कंडीशन में लाइसेंस देगा, किस कंडीशन में लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है, ये सारी चीजें हमने आज अपने टॉपिक में पढ़े. तो आज हमने दो टॉपिक कवर करे, एक तो सोशल कंट्रोल एक्ट और दूसरा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट.
ईयर हो गया होगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा यहाँ पे हमें पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं ये हमने अपनी मर्जी से नहीं बनाई है, ये अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, लॉ के हिसाब से है, थोड़ा सा यहाँ पे लॉ पढ़ रहे हैं तो हमें इन चीजों को ऐसे ही समझना पड़ेगा, ऐसे ही याद करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा एंड आई थिंक दिस इज ओके फॉर टुडे, ये सब बहुत है आज के लिए, आप इसको पढ़ें सुने, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करें या कमेंट सेक्शन में लिखें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।